तो फिरौन ने पूछा, मन रब की मन इलाहू की, तेरा रब कौन है, तेरा माबूद कौन है। माश्ता ने आंखें बंद करके बस चला गया वो दौर जब तक छुपाया था, ईमान को छुपाया था। आज इजहार का दिन है, कहने लगी रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब السماواتي والأرض ورب آبائك। मेरा रब वो है जो आसमानों और जमीनों, जमीन का रब है, तेरा और तेरे बाप दादे का रब है, जिसकी रुबूबियत पूरे कायनात को इहाता किए हुए है, जो आलमीन का रब है, रब्बी अल्लाह। इन्नल्लज़ीन क़ालू रब्बुनल्लाह थुम्मस्तक़ामू। रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वो लोग जो मुझे रब मान लेते हैं और मुझे रब मानने के बाद आने वाली मुसीबतों का सामना इस्तेकामत से करते हैं, वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। वो मेरे हैं, मैं उनका हूँ। फिरौन ने कहा, मैं बहुत जालिम हूं, तो फिर माश्ता ने भी कहा, तुझसे उम्मीद करम होगी जिसे होगी, मुझे तो देखना यह है कि तू जालिम कहां तक है। फिरौन ने कहा, दरख्त के साथ जकड़ दो इसे, जंजीरों से उस खातून को। औरतें यूं हुआ करती हैं, किसने कहा औरत सिंफ नाजुक है, किसने कहा ये कमजोर है। उस वक्त कमजोर है जब मैदे की होके रह जाए, और जब ये नजर फिक्र नजर का सफर करती है, तो फिर कई मर्दानगियां इसके कदम पे कुर्बान हुआ करती है। बेशक जकड़ा गया एक दरख्त के साथ, कील ठोंके जा रहे हैं उसके जिस्म में कील। वो फिर आओ ना दिल अवतार الذين طغوا في البلاد وفرعون। कुरान ने ذل اوتاد इसलिए कहा है, वो याद दिलाया कि कील ठोके उस खातून के जिस्म में, और वो क्या कहती है, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह, रब्बी अल्लाह। फिरौन के अहलकार तबसरा करते हैं, खुसर फुसर करते हैं, जुल्म जितना ज्यादा हो रहा है, इसका इश्क मस्त हो रहा है, यह अभी घबराई नहीं, इसे कंफ्यूज कैसे किया जाए, कंफ्यूज कैसे किया जाए। तजवीज आई, इसकी शीरखार बच्ची है, शीरखार बच्ची, उसके इसके सामने जिवा करो, मानता है हार जाएगी। शीरखार बच्ची को लाया गया, दूध पीने वाली बच्ची को लाया गया। रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तीन बच्चे हैं जो इस सन में बोले, एक ईसा अपनी वालदा की तकदीस पर बोला, एक अजीज मिस्र का बच्चा, घर का बच्चा जो सैयदा, जो सैयदुना यूसुफ की तकदीस पर बोला, और एक ये बेटी जो अपनी माँ को हिम्मत दिलाते हुए कहती है, या उम्मा उस्बुरी, उस्बुरी या उम्मा, ला तज्जाई, फइन्नल्लाहा बना लना बैतन फिल जन्ना। सुभान अल्लाह। माँ घबराना नहीं, ये दुनिया का ठिकाना तो आरजी है, मैं अपनी मासूम आंखों से जन्नत में अपना घर देख रही हूँ। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ने उस मासूम की लाज रखी, उसकी दूसरी बहन भी, वो भी, उसकी माँ भी, इन तीनों के आंखों से दुनिया हटा दी गई,
جنت سامنے لائی گئی. فرعون نے تینوں کو کیل ٹھوک ٹھوک کے مار ڈالا, قتل کر دیا, لیکن قتل کے بعد قاتل شرمندہ ہوا, مقتول سربلند ہوا, مقتول کا چہرہ چمک اٹھا, قاتل کا منہ کالا ہوا.